नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कारपॉइंट हिंदी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी परिवार में अभी ही जो है इग्निस को लिया गया था, करीब 10 दिन हो गए इस गाड़ी को और ये गाड़ी जो है करीब 600 किलोमीटर ही अभी चल पाई है। तो इसका मैंने एक टेस्ट ड्राइव रिव्यू भी बनाया था, कुछ मित्र कह रहे थे इसका जो है फुल वीडियो लेके आइए, बताइए कि इग्निस का जो जेटा वेरिएंट आपने लिया है इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं। तो आज का जो वीडियो है इग्निस के सारे फीचर के बारे में होने वाला है, साथ ही बताऊंगा कि गाड़ी जो है किस तरह की दिखती है। तो अगर आप सामने से देखेंगे दोस्तों तो इसको जो है एक ब्रॉड लुक मिलता है और सामने से एक एसयूवी देखने को लगती है, और कंपनी ने इसे जो है एसयूवी के लुक में ही जो है मार्केट में उतारा था। और सेगमेंट में जो है आपको सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी इसमें आपको मिल जाती है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलता है। अगर सामने से आप देखेंगे बड़े से हेडलाइट मिल जाते हैं, क्योंकि ये जेटा वेरिएंट है तो इसमें जो है LED वगैरह नहीं मिलती है, ना ही DRL आपको मिलते हैं। नीचे कंपनी फिटेड फॉग लाइट आपको मिल जाती है, साथ में अगर आप सेंटर में देखेंगे तो स्केट प्लेट मिल जाती है नीचे सिल्वर कलर की, जो कि इसका लुक काफ़ी एनहेंस करती है। और ये लेटेस्ट मॉडल है 2021 का, तो इसमें जो फीचर मिलेंगे वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। क्रोम ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह की क्रोम ग्रिल मिल जाती है, साइड में जो है आउटर लाइन जो है वो पूरी क्रोम में मिल जाती है। इससे नीचे का जो डेल्टा और सिग्मा वेरिएंट आता है उसमें यह चीज़ नहीं मिलती, केवल यहाँ पर जो है आपको क्रोम मिलेगी। बड़ा सा मारुति का सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर हेलोजन हेडलाइट मिल जाती है, यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह का जो है डिज़ाइन मिलता है। बोनट जो है ज़्यादा चौड़ा नहीं है, मतलब जो बोनट की ये वाली दूरी है वो ज़्यादा नहीं है, चौड़ाई तो पर्याप्त है गाड़ी की। यहाँ पर आपको दो वॉशर मिल जाते हैं विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए, और साइड से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बोनट पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन भी दिया गया है, ठीक है, क्लाइडिंग दी गई है प्लास्टिक की, और जो वाइपर है कुछ इस तरह के मिलेंगे। विंडशील्ड का एरिया भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, और इसमें बैठने के बाद आपको जो है बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है। अब साइड से भी देख लेते हैं, साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ORBM मिलते हैं वो आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं, साथ में आपको टर्न इंडिकेटर भी मिल जाते हैं, और साथ में यहाँ पर जो आपको हैंडल मिलते हैं वो भी बॉडी कलर मिल जाते हैं। यहाँ पर जो आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, और अच्छी बात ये है कि पैसेंजर साइड भी जो है आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, तो दोनों तरफ जो है आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। और इसकी जो की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको इस वेरिएंट में स्मार्ट की मिलती है, मारुति की जो स्मार्ट की होती है उसी डिज़ाइन की है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद देखते हैं इसका व्हील, तो जेटा और जो टॉप मॉडल है उसमें आपको इस तरह का अलॉय व्हील मिलता है, ये 15 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, काफ़ी बड़े व्हील दिए गए हैं। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा दिया गया है इस गाड़ी में, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है, तो इस तरह के जो है 15 इंच के ही व्हील मिलते हैं। इसके नीचे के जो वेरियंट आते हैं जो सिग्मा और डेल्टा, उसमें आपको स्टील व्हील मिलते हैं, सिग्मा में आपको जो है व्हील कवर नहीं मिलेंगे सिल्वर कलर के स्टील व्हील मिलेंगे, डेल्टा में आपको व्हील कवर भी मिल जाएंगे और ब्लैक कलर के जो स्टील व्हील हैं वो मिलते हैं, लेकिन जो साइज है टायर का वो सेम ही मिलेगा। साथ में आप यहाँ से देखेंगे तो पूरी बॉडी में जो है नीचे अंडर क्लाइडिंग दी गई है इस वेरियंट में, और इसका जो ऊपर का वेरियंट आता है उसमें मिलेगी ये जो क्लाइडिंग आप देख रहे हैं, इससे लुक थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है। और इससे नीचे का जो वेरियंट है उसमें ये आपको क्लाइडिंग नहीं मिलती है, ठीक है, तो ये भी एक चेंज है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर रूफ रेल मिल जाती है सिल्वर कलर की, ये कंपनी से फिट होकर आती है, और अच्छी बात ये है ये जो पार्ट देख रहे हैं ये पूरा एल्यूमिनियम का है, ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम की रूफ रेल मिल जाती है, ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक है, लेकिन ये सेंटर का जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ तक, तो ये जो है एल्यूमिनियम का पूरा मिल जाता है। इसके बाद मैं आपको दूसरी तरफ ले कर चल के दिखाता हूँ बाकी की चीज़ें, तो दूसरी तरफ भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक का कैप मिल जाता है को पैसेंजर साइड, और मारुति की सभी गाड़ियों में इस तरफ ही मिलता है, तो यहाँ से जो है आप फ्यूल भर सकते हैं, 35 या 32 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, मैं आपको क्लियर नहीं बता पाऊँगा, देख के बता दूँगा, शायद 35 या 32 लीटर का ही है, ठीक है। ऊपर की तरफ देखेंगे पीछे से तो यहाँ पर आपको एंटीना मिल जाता है और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी आपको मिल जाता है इस वेरियंट में, तो यहाँ पर जो है एंटीना के साथ आपको इस तरह का इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाता है। और साइड से आप देखेंगे पीछे जो, तो यहाँ पर जो है तीन आपको जो है इस तरह की लाइन मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, और ये जो लाइन है दोनों तरफ मिलेगी, साथ ही जो है इंटीरियर में भी ये लाइन आपको देखने को मिलेगी सेंटर कंसोल में। अब मैं आपको पूरा पीछे का जो व्यू है वो दिखा देता हूँ, तो पीछे से देखने में गाड़ी कुछ इस तरह की दिखती है। बहुत से लोगों को जो है इग्निस का ये लुक पसंद नहीं आता, और बहुत से लोगों को ये पसंद भी आता है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। और यहाँ पर जो है आपको डिफोगर भी मिल जाएगा, देखिए इस वेरियंट में डिफोगर दिए गए, रियर वाइपर भी मिल जाएगा आपको, और वॉशर भी मिल जाएगा, देखिए यहाँ से जो है पानी निकलता है,
तो तीनों फीचर आपको मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। यहाँ पर एलईडी हाई माउंटेड स्टॉप लाइट आपको मिल जाती है, और यहाँ पर जो है नॉर्मल हेलोजन आपको टेल लाइट मिलती है, यहाँ पर इंडिकेटर, यहाँ पर रिवर्स लाइट, यहाँ पर जो है आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है और टेल लाइट, यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी जो है बड़े बड़े रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों साइड रिफ्लेक्टर मिल दिए गए हैं। बात करें बूट की, तो बूट को खोलने के लिए इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बटन मिल जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मैनुअली आपको उसे खोलना होता है। ठीक है, सेंसर आपको चार मिल जाते हैं, एक सेंसर आपको यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। कैमरा हमने आफ्टर मार्केट लगवाया, अगर हम नेक्सा से लगवाते तो 4000 का पड़ रहा था, उसका साइज़ भी बड़ा था, ये हमें 2000 का पड़ा है, आफ्टर मार्केट लगवाया है उसका साइज़ भी छोटा है। तो अभी मैं आपको बूट खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है बटन मिलता है जिसे आप दबाएंगे कि अगर आपके पास है तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पार्सल सेल या कह सकते हैं पार्सल ट्रे मिल जाती है। इसके बाद जो बूट मिलता है 260 लीटर का मिलता है, 260 लीटर का जो है बूट स्पेस में मिल जाता है। यहाँ पर आपको इस वेरिएंट में बूट लाइट भी मिल जाती है, देखिए मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और बूट भी जो है ना काफ़ी अच्छी कैपेसिटी का है, इसको यहाँ से जो है आप उठाएंगे तो इसमें स्पेयर व्हील जो मिलता है वो सेम साइज़ का मिलता है, 15 इंच का स्टील आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है कंपनी ने कॉस्ट कटिंग तो की है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सेम साइज़ का जो है आपको स्पेयर व्हील दिया गया है। यहाँ पर आपको हैंडल भी मिल जाता है, यहाँ से इस तरह से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है लाइसेंस प्लेट के लिए ये जो आप देख रहे हैं दो लाइट मिल जाती है हेलोजन, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बटन दिया गया है बूट को ओपन करने के लिए। तो इसको हम लगा देते हैं। तो बाहर से तो मैंने गाड़ी दिखा दी आपको, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो शुरुआत करते हैं रियर से। तो रियर का जो डोर है इसको हम खोल लेते हैं, जो स्मार्ट की होती है, एक बार अगर आप इसको अनलॉक दबाएंगे तो गाड़ी के अगले डोर जो है वो लॉक अनलॉक होंगे, और दो बार दबाएंगे तो चारों डोर जो है अनलॉक हो जाएंगे। तो डोर को खोलने के बाद जो है आपको कुछ इस तरह की फिनिश मिलती है। डुअल टोन कलर का यूज किया गया है, मेन जो है ब्लैक कलर का ही यूज है, और ब्लैक कलर जो है ना काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, गंदा भी कम होता है। कि भाई यहाँ पर आर्म रेस्ट जो दिया गया है उस पर थोड़ा सा वाइट कलर का यूज किया गया है। यहाँ पर पावर विंडो का जो स्विच है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डोर को खोलने का हैंडल मिल जाएगा, लॉक अनलॉक करने के लिए स्विच इस तरह का मिलेगा। यहाँ पर स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पर आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, और जो एंटर होने का एरिया है वो भी काफ़ी बेहतर मिल जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए एंटर होने के लिए एरिया जो है कुछ इस तरह का मिल जाएगा। सीट की बात करें तो यहाँ पर जो है रियर सीट पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आप देख रहे होंगे एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, और 60-40 के रेशो में ये सीट आप फोल्ड भी कर सकते हैं। साथ में आपको सेफ्टी वाइज देखा जाए तो ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग भी मिल जाती है, और मैं आपको स्पेस दिखा देता हूँ। अभी जो है ये जो सीट है पूरी तरह से पीछे है, उसके बाद मुझे केवल इतना स्पेस मिल पा रहा है, पूरी तरह से अभी ये सीट पीछे है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ। तो ये वाली सीट जो है ना पैसेंजर के लिए एडजस्ट की गई थी, तो अभी जो आप देख रहे होंगे इतना स्पेस में मिल रहा है, और जो डैशबोर्ड है उसका व्यू कुछ इस तरह का मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं और बाकी के फीचर भी देख लेते हैं। और यहाँ पर जो हम्प है थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, यहाँ पर आपको अच्छा खासा बोतल होल्डर मिल जाता है। ठीक है, तो अभी सीट जो है वो आगे कर दी है, अब आप देखिए काफ़ी स्पेस मिल रहा है। मैं आपको अपनी हाइट के हिसाब से भी दिखा दूंगा एक बार कि कितना स्पेस मिल पा रहा है। तो अभी हम ड्राइवर साइड का डोर खोलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर बाकी के फीचर। तो यहाँ पर जो है वायर बीम को एडजस्ट करने का कंट्रोल मिल जाता है, फोल्ड करने का मिल जाता है, डोर को लॉक अनलॉक करने का मिल जाता है, विंडो को अनलॉक लॉक करने का मिल जाता है, और ये चारों पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं। नीचे यहाँ पर जो है बोतल होल्डर थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, एक स्पीकर मिल जाता है, और यहाँ पर जो है आपको हैंडल मिल जाता है, बॉडी कलर का मिलता है, इसमें सिल्वर दिया गया है, अगर आपकी गाड़ी का कलर ब्लू होगा तो यहाँ पर ब्लू दिया गया है। तो डुअल टोन कलर का यूज़ किया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बोतल होल्डर वगैरह आपको सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ से अगर आप देखें एंटर होने का एरिया काफ़ी ब्रॉड दिया गया है, आगे का जो डोर है वो तो काफ़ी चौड़ा दिया गया है, उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी मिल जाता है, देखिए यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी मिल जाता है रियर डोर पे सभी गाड़ियों की तरह। और यहाँ पर आप जो सीट कवर देख रहे हैं ये कंपनी फिटेड नहीं है, ये आफ्टर मार्केट हमने लगवाए हैं, बकेट फिट है,
इसका प्राइस जो है मैं आने वाले कुछ वीडियो में बताऊंगा, सारी जो एक्सेसरी लगवाई है उसके बारे में आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर के। आपको जो है जो डैशबोर्ड का एरिया है कुछ इस तरह का मिलेगा, काफ़ी फ्लैट रखा गया है ये जो एरिया है और प्लास्टिक क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन मिलती है। यहाँ पर थोड़ी सी कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिलेगी यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आपको मॉडर्न लुक में देखने को मिलता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फीचर की। तो यहाँ पर चार एसी वेंट मिलते हैं जो कि नॉर्मल है, यहाँ पर गोल्ड मिलेंगे आपको और यहाँ पर कुछ इस तरह के मिलेंगे एकदम से। इसमें जो है सिल्वर फिनिश का भी यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको MID के कंट्रोल और MID की जो ब्राइटनेस वगैरह उसको एडजस्ट करने का ऑप्शन ट्रिप कंट्रोलर मिल जाता है। तो इसको मैं अभी आपको ऑन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है, यहाँ पर मैनुअल AC मिलता है इस वेरिएंट में, इससे ऊपर के वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है, और यहाँ पर आपको डिफोगर का बटन भी मिल जाता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे आपको USB ऑक्स का पोर्ट यहाँ दिया गया है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर दो कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैं बता रहा था 3 लाइन है जो कि हमने एक्सटीरियर में भी देखी थी उसका ही यूज किया गया है, और ये पूरी जो है सिल्वर फिनिश दी गई है। अगर गाड़ी का कलर रेड होगा तो रेड मिलेगा, इस तरह का मिलता है। यहाँ पर ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाती है और यहाँ पर वही सिल्वर का यूज किया गया है। हैंड ब्रेक के नीचे थोड़ा सा स्पेस मिलता है, हैंड ब्रेक इस तरह का मिलता है, यहाँ पर जो है क्रोम का भी यूज किया गया है। तो ये सब जो है फीचर मिल जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ पर आपको टिकट होल्डर के साथ सन वाइजर मिल जाएगा, दूसरी तरफ भी आपको सन वाइजर मिल जाता है एक वैनिटी मिरर के साथ, यहाँ पर मैनुअल डे नाइट मिरर मिल जाएगा आपको कुछ इस तरह का। अब बात करते हैं स्टेयरिंग व्हील की। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग मिल जाती है, ये मल्टी फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग है, यहाँ से आप जो मीडिया कंट्रोल है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको फ़ोन के और वॉइस कमांड के कंट्रोलर मिल जाते हैं, और ये जो स्टेयरिंग है टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है जिससे आप यहाँ से इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी और फीचर देखते हैं। यहाँ पर आपको लाइट, इसको आप इस तरह घुमाएंगे तो पार्किंग लाइट, ये हेडलाइट, ये यहाँ पर आपको मिल जाता है फॉग लाइट का ऑप्शन, यहाँ पर आपको रियर वाइपर और जो वॉशर है और फ्रंट वाइपर और जो वॉशर है उसके कंट्रोल मिल जाते हैं। आप ऑन कर लेते हैं MID को। तो MID को जब आप ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको व्यू मिलेगा। यहाँ पर आपको जो MID मिलती है कुछ इस तरह की मिलती है, और इसको कंट्रोल करने के जो स्विच है वो यहाँ पर दिए हैं, यहाँ से आप ट्रिप्स देख सकते हैं। देखिए ट्रिप बी ट्रिप है, और यहाँ से जो है आप बाकी के फीचर भी देख सकते हैं, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है, रेंज, एवरेज स्पीड, ड्राइविंग टाइम, यहाँ से आप जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, अलग से एक बटन दिया गया है। ठीक है, और अगर आप इसको कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे इस स्विच को, नीचे वाले को, इन्फो वाले को, देखिए तो मेनू खुल जाएगा, बहुत सारी सेटिंग इसके अंदर आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस, यूनिट, इकोनॉमी, लैंग्वेज, फ्यूल रीसेट, सेट सेंसर, क्लॉक सेटिंग, डोर लॉक, लाइट, एंटी थीफ, ठीक है, बहुत सारी सेटिंग आपको मिल जाती है। और इसको दोबारा दबाएंगे तो बैक आ जाएंगे आप। यहाँ पर जो है MID में आपको डोर वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, देखिए अभी दोनों डोर खुले हुए हैं तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है MID में। ठीक है, यहाँ पर बाकी सब वार्निंग लाइट्स मिल जाती हैं जो कि सभी गाड़ियों में मिलती है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं बैटरी टेम्परेचर। मैं एक बार आपको फिर से ऑन करके दिखाता हूँ, देखिए इस तरह का। एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसमें स्मार्ट की मिलती है, तो यहाँ पर आपको पावर बटन मिलेगा, माफ कीजिए, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इस तरह का मिल जाएगा। यहाँ पर जो हेडलाइट बीम लेबलर है वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब मिल जाता है। अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो इसमें मिलता है आपको 7 इंच का स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। यहाँ पर आपको देख रहे होंगे एक्चुअल माइलेज जो है यहाँ पर शो होगा, माइलेज मीटर मिल जाता है। जब आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो ये जो मीटर है चलता है, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आप कितना माइलेज निकाल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको 4 स्पीकर इस वेरिएंट में मिल जाते हैं, ट्विटर के लिए जगह दी गई है, लेकिन वो टॉप वेरिएंट में आपको मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। कुछ इस तरह का
इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है आपको। तो अभी जो है फ़ोन वगैरह कनेक्ट नहीं है, बाकी सारे फीचर मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ से सेटिंग में जाएंगे तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, डिस्प्ले, डेट, टाइम, व्हीकल अलर्ट, लॉक, कीपैड, मतलब बहुत सारी सेटिंग्स है इसके अंदर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इस गाड़ी में आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं, एक यहाँ पर ड्राइवर के लिए और को पैसेंजर के लिए यहाँ पर मिल जाता है। सेफ्टी फीचर की बात करें तो इसमें आपको 2 एयरबैग के साथ ABS, EBD कंपलसरी मिलेगा, और जो ऊपर के वेरियंट हैं उनमें भी आपको ये फ़ीचर मिल जाते हैं। तो ये जो है बेसिक फ़ीचर है इसमें। और अब चलते हैं हम बाहर और देखते हैं इस गाड़ी का इंजन। तो इंजन को हम देखने के लिए बोनट को ओपन करते हैं। तो बोनट को ओपन करने का लीवर यहाँ मिलता है, इसको हम इस तरह से तानेंगे तो बोनट ओपन हो जाएगा। तो अभी हम बोनट को ओपन करते हैं। तो बोनट ओपन कर लेते हैं। तो ये इसका दोस्तों 1.2 लीटर का 1197 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर BS6 पेट्रोल इंजन, जो कि काफ़ी फेमस इंजन है। यही इंजन आपको बलेनो और स्विफ्ट में, वैगनआर में देखने को मिलता है। मारुति का ये इंजन काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड है। यहाँ पर जो है आपको BS6 इंजन मिल जाता है। ये आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये बैटरी है, और ये आपको ABS की यूनिट मिल जाती है। ये इस गाड़ी का ECU है। ठीक है, ये इसका एग्जॉस्ट सिस्टम है। यहाँ पर आपको BS6 जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो मिलता है, जिसमें आपको ये कैटलिक कन्वर्टर मिलता है, जैसा कि मैं सभी गाड़ियों में बताता हूँ। यहाँ से आप कूलेंट का जो लेवल है वो चेक कर सकते हैं। इसमें हाई और लो का दोनों तरफ का लेवल दिया गया है। नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये AC की मोटर है, AC का कंप्रेशर है। यहाँ से आप ब्रेक फ्लूइड भर सकते हैं, उसका लेवलर दिया भी गया है यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हैं जो सेंटर लॉकिंग का साउंड है वो यहाँ से आता है, और जो पानी वगैरह है फ्लूइड गाड़ी के लिए वो यहाँ से भर सकते हैं विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए। तो मैं इसको लगा देता हूँ, और यहाँ पर आपको पैडिंग भी मिल जाती है नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए, जो केबिन नॉइज़ वो अंदर ना जाए, आपको अंदर भी पैडिंग मिल जाती है। ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं पूरी पैडिंग मिल जाती है। तो ये थी दोस्तों नेक्सा की इग्निश। ये जो गाड़ी है मारुति की नेक्सा डीलरशिप पे ही मिलती है। प्राइस की बात करें तो ये हमको ऑफ़र में मिली है 6.40 लाख की ऑन रोड ग्वालियर MP का। मैं आपको ये प्राइस बता रहा हूँ, लेकिन ये हमको ऑफ़र में मिली है। करीब जो है हमको काफ़ी छूट मिली है, क्योंकि हमने ये ग्वालियर व्यापार मेले से परचेज़ की थी। अगर वैसे देखा जाए तो करीब 6,70,000 या 80,000 की हमको ये पड़ती। और ये जो कलर है वाइट कलर आप देख रहे हैं, 5 कलर के साथ ये गाड़ी आती है। तो एक आपको कॉम्पैक्ट SUV टाइप की गाड़ी चाहिए तो ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन होगा। मैं इस तरफ से आपको दिखा देता हूँ एक बार गाड़ी। काफ़ी अच्छा लुक है इस गाड़ी का, फ्रंट का, रियर का लुक हर किसी को पसंद नहीं आता है। हाल ही में कंपनी ने इसमें कुछ चेंज किए थे, जो कि बम्पर, रियर बम्पर, फ्रंट बम्पर चेंज किया था। बाकी सारे फीचर सेम ही आपको मिल जाते हैं। तो कम बजट में आपको एक अच्छा रिफाइंड इंजन चाहिए, ऊँची गाड़ी चाहिए, हाइट ज़्यादा जिन लोगों की है उनके लिए ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। अगर कोई फीचर मैं नहीं बता पाया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो ये था दोस्तों मारुति सुजुकी इग्निश जेटा का रिव्यू। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये गाड़ी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सीट बेल्ट पहनिए, यातायात नियमों का पालन कीजिए और सेफ ड्राइविंग कीजिए। धन्यवाद।